नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियर स्टेज टू यानी कि पेपर टू एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, यानी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच में वीडियो को बिल्कुल नहीं कट करना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाइड कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट rozgarresult.com को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान है, rozgarresult.com जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, सारी चीज़ें सब कुछ बहुत ही तेज़ अपडेट होता है, बहुत ही फास्ट अपडेट रहती है। चलिए दोस्तों, आपको एक और वेबसाइट बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है sarkarirezult.com। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है, हर किसी की जुबान पे रहता है sarkarirezult.com। लेकिन दोस्तों, मैं इस पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप सरकारी रिजल्ट खोलिए लास्ट में .com को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी फेक वेबसाइटें आ गई हैं जिसमें गलत जानकारी, गलत लिंक मिल सकती है, आपका फॉर्म गलत हो सकता है। इसलिए जब भी खोलिए सही खोलिए, ओरिजिनल खोलिए और sarkarirezult.com ही खोलिए। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल, लैपटॉप या आसपास कहीं भी सरकारी रिजल्ट खुली हो तो सबसे पहले उस पर चेक कीजिए .com लगा कि अगर नहीं लगा तो वो नकली वेबसाइट है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एडमिट कार्ड की। ये देखिए, एडमिट कार्ड सेक्शन में रेलवे का जूनियर इंजीनियर का स्टेज टू का एडमिट कार्ड आया, हम उस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं, एग्ज़ाम जो है इसका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है आता था, और एग्ज़ाम इसका जो है 28 अगस्त से लेके जो 1 सितंबर के बीच है, यानी कि 3 दिन है। चलिए दोस्तों, ये देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आपने किस रीज़न के लिए इस फॉर्म को जो भरा था, जिस रीज़न में आप क्वालिफाइड उसी रीज़न पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना रीज़न सेट करना है, जिस रीज़न में आपने स्टेज वन का एग्ज़ाम दिया था उसी रीज़न में ही स्टेज टू का भी एडमिट कार्ड आपका निकलेगा। चलिए दोस्तों, जैसे मेरे कैंडिडेट ने इलाहाबाद रीजन से भरा था, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप उसको डालिए, नहीं तो आपके जो पुराने एडमिट कार्ड है उसमें लिखी होगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, मैं डालता हूँ, फिर लॉगिन करता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद इस तरीके का एक पेज आएगा, आपको दिखाई देगा कि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सबको शो करेगा। दोस्तों, इसमें मॉक टेस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, अगर आपको मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। प्रिंट ई कॉल लेटर, मैं आपको कॉल लेटर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, हमारा एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपका रोल नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे आपका सिक्वेंस नंबर यानी कि अनुक्रमण संख्या शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, जेंडर है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी शो कर रहा है इसी में। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम की तारीख जो है शो कर रही है। अगला है शिफ्ट की पारी, यानी कि कौन सी शिफ्ट में, पहली में है, दूसरी में है, वो शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और उसके नीचे आपका जो ग्रुप है, जैसे मेरे कैंडिडेट का सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग है, और हो सकता है आपका कुछ और हो। तो दोस्तों, यही प्रोसेस है, इसको आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं आपको मॉक टेस्ट का लिंक भी यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपका पॉपअप ब्लॉकर ऑफ होना चाहिए, उसके बाद आपको जो है एक नया पेज आ जाएगा, देखिए आरआरबी डेमो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इस पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपको येलो कलर का आएगा, फिर आपको उस पर प्रोसीड पे दोबारा क्लिक कर देना है। यानी कि देखिए पेज हमारा ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा आरआरबी का जो है यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है। ये यही सेम प्रोसेस रहेगा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम आएगा, वो इसी तरीके से रहेगा। आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से मॉक टेस्ट रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा 3 जनवरी 2019 को निम्न में से किस राज्य की उज्ज्वला श्रेणी नैपकिन में पहले शुरू किया था। तो दोस्तों, ये इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये नीचे आपका आंसर है, जो भी आपका आंसर हो, सपोज जैसे आपका आंसर बी है तो आप यहाँ पे बी करके यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं, तुरंत ही जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।